है गाइस आई वेलकम यू टो साफ एजुकेट्स इस वीडियो में हम बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस का गेस्ट पेपर देखेंगे बी जी सिक्स सेमिस्टर इस पर मैंने एक वीडियो अपलोड किया है जहां पे मैंने आपको गेस्ट पेपर एक दिखाया है तो वहां पे मुझे स्टूडेंट्स ने कमेंट सेक्शन में बहुत कमेंट्स की कि, कि सर इतने क्वेश्चन एनअफ़ नहीं है इस पर एक पेपर टू अपलोड कीजिए सो बिल्कुल मैंने पेपर टू अपलोड किया है तो आप ये क्वेश्चनस भी देख सकते हो और वो भी फिर अपने आप को चेक कर सकते हो आपकी प्रपरेशन कहाँ तक है सो वीडियो को एंड तक देखना मैं एक एक क्वेश्चन पढ़ूँगा ताकि आपको आसानी हो जाएंगे ये क्वेश्चन को ढूंढने में ये क्वेश्चन आपको कहाँ पे मिल जाएंगे यहाँ पे आप पढ़ सकते हो सेकंड पेपर बी जी सिक्स सेमिस्टर पोलिटिकल साइंस गैस पेपर ये आपको पता ही होगा फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ये क्वेश्चन और पढ़ आ सकता है इट्स वेरी मच पॉसिबल बिकॉज जो है ये सिक्स सेमेस्टर का एग्जाम होने वाला है ये फर्स्ट टाइम डिस्क्रिप्टिव होता है वरना सिक्स सेमेस्टर का एग्जाम एम क्यों होता है क्वेश्चन नंबर टू वाट इज द डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन क्वेश्चन नंबर थ्री यहाँ पे आप पढ़ सकते हो व्हाट आर द टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी क्वेश्चन नंबर फोर व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पब्लिक पॉलिसीज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सो यहाँ पे आप ये क्वेश्चन पढ़ सकते हो अच्छी तरह से ये मोस्ट इंपॉटेंट क्वेश्चन है यहाँ पे आप पढ़ सकते हो क्वेश्चन नंबर फाइव मेजर इश्यूज़ ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ इन द एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन क्वेश्चन नंबर सिक्स वट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन द एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन इट इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेवन डिस्कस क्रिटिसिज्म ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्रोरी इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्रिटिसिज्म के रिलेटेड मैंने बहुत बार देखा है कि क्रिटिसिज्म के रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आता ही है इसके नीचे अगर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर एट व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल ऑफ स्पेन ऑफ कंट्रोल तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन चार मार्क्स का आ सकता है इट्स हंड्रेड एंड टेन परसेंट पॉसिबल यहाँ पर आप पढ़ सकते हो यूनिटी ऑफ कमांड क्वेश्चन नंबर टेन यहाँ पर आप पढ़ सकते हो डिफाइन एडमिनिस्ट्रेशन या व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे आपको एक बात जरूरी याद रखनी है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक क्वेश्चन है प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एक अलग क्वेश्चन है कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि डिफाइन एडमिनिस्ट्रेशन वो इसकी मीनिंग यही लिखती है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है या प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन फिर बाद में उनको मार्कस ही नहीं मिलता है तो आपको लिखना है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है एग्ज़ाम में आपको ये क्वेश्चन ज़रूरी आपको इन चीज़ों का याद रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है जो ये क्वेश्चनस है ये मैंने मोस्ट इम्पॉटेंट कोशनस ली जो मैंने पोस्ट पेपर अपलोड किया है उस पर मैंने कुछ अलग अलग क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट आपके साथ शेयर की तो ये था एक पॉलिटिकल साइंस का पेपर टू गेस पेपर तो अगर ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और वीडियो को लाइक भी करना शेयर ज़रूरी करना ताकि बाकी स्टूडेंट्स के पास भी पूछेगा तो अगर आप कुछ और स्टडी मटेरियल या कैस पेपर चाहते हो किसी सब्जेक्ट पे आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो मैं कोशिश करूँगा उस पर भी एक अलग से एक वीडियो लाऊँगा सो फॉर द टाइम में इस वीडियो को मैं यहीं से एंड करूँगा थैंक यू फॉर लिसनिंग ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल